ज़िमल किचन में खाना बना रही थी कि नौमी अफ्ता खैजा घर में दाखिल हुआ। अभी अभी इस ज़ोरदार आवाज़ों से पुकारा, इसका सांस फूला हुआ था। ज़िमल घबराई, क्या हुआ नौमी, क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों? अब ज़िमल अभी सैफी को कुछ गुंडे गन पॉइंट पर ज़बरदस्ती अपने साथ घसीट कर ले गए। क्या, ज़िमल को शौक लगा, गुस्से से चेहरा लाल टमाटर हुआ। यह यकीन है सामने वाले गुंडे ममाली का काम है, अब तो मैं पुलिस स्टेशन कंप्लेन करके ही रहूँगी, वो गुस्से से फनकारी। नहीं ज़िमल, आप ही कभी भाई, वो सब आदमियों को जानता हूँ मैं, वो नहीं थे, वो कोई और ही थे, अब क्या करेंगे। ठीक है, मैं चादर लेकर आती हूँ, पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखाते हैं। पुलिस स्टेशन गए, ज़िमल ने ज़मीन आसमान एक कर दिया, मगर किसी पर कोई चूँ तक ना रही थी, कोई बात सुनने को तैयार ही ना था। ऊपर से जेल में आने जाने वाले गुंडे मवाली थे, अजीब वाली नजरों से घूर रहे थे। आखिर जब वो टस मस ना हुई तो एक लेडी कांस्टेबल ने ही से कहा कि ऊँटनी इज्जत खराब कर रही हो, जाओ अपने घर, यहाँ तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। वो घर आई, पूरी रात गुजर गई, जहाँ मुमकिन हुआ वहाँ ढूंढा, अब तो हौसला हार चुकी थी, कोई मदद करने को तैयार नहीं था। पापा जी भी बार बार पूछ रहे थे, सारी रात आंखों में कांटे, बुरे बुरे ख्याल और दिमाग में हावी थे और एहसाब चटका रहे थे। सनफे नाजुक थे, कब तक बर्दाश्त करते, सुबह होने तक हार चुके थे। रो रो कर आंखें भी खुश्क हो चुकी थी, नौमी पास ही था। और अब सुबह के 10 बज चुके थे। नौमी ने ज़िमल को एक और रास्ता दिखाया, आप ही अब हमारी मदद सिर्फ कबीर भाई कर सकते हैं, अगर इसने हमें पढ़ ली तो वो बहुत ताकतवर है, बड़ी आसानी से हमारी मुश्किल आसान हल हो जाएगी और सैफी मिल जाएगा। और गुंडा मवाली जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है, वो हमारी मदद क्यों करेगा? ज़िमल तलख हुई है तो नामुमकिन सी बात, मगर आपकी कोशिश करने में क्या हर्ज है, नौमी कहकर खामोश हो गया। वो दोनों चंद घंटे और ख्वार हुए, नौमी पता नहीं कहाँ था, वो ना काम लौटा और अब तो दिल पर बैठा जा रहा था। आखिर थक गई, हार गई, तो शिकस्त तस्लीम कर गई और इतने नाजुक कंधों पर ये बार और नहीं सह पाई, कदम खुद ब खुद सामने वाले घर की तरफ मुड़े। पाशा और रिहाब शाम ढले घर लौटे थे, रास्ते भर फिर पाशा ने उसे मुखातिब करने की कोशिश नहीं की, वो बाहर मनाजिर में खोई हुई थी और बस पास बैठे शख्स के बारे में सोचे चली जा रही थी। गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हुई तो रियाब का सोचों का तसलसल टूटा, दोनों गाड़ी से बाहर आए, सामने से आती रिमय मंजर देख कर जी जान से झुलस गई। वो समझी थी हमेशा के लिए इससे जान छूट गई, मगर वो तो पाशा के पीछे पाशा की पुश्त को देखती छोटे छोटे कदम उठाती अंदर की जाने बढ़ रही थी। पाशा ने ज़रा सा घूम कर उसे कमरे में जाने का इशारा किया, वो चुपचाप उसी कमरे में चली गई जहाँ पहले रह रही थी। पाशा रीमा की तरफ बड़ा मिला, वो आदमी से रीमा से पूछा बिल्कुल पाशा पर हमला करके जाएगा, किधर नासिर ने लाहौर से तोहफा भेजा है, होटल से निकलते ही हमारी गिरफ्त में था। रीमा नफरत से बोली, बादशाही का आदमी था, मतलब ठिकाने लगा दिए। उससे चमकारा रीमा चले नहीं, अभी बेसमेंट में है, मगर क्यों, जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता, मेरे पीछे कोई ना आए, ये कहकर पाशा पिछली जानेब से बेसमेंट में चला गया। पिछली दीवार में अपने एक ढलानी दरवाजे को नादर ने खोला तो नीचे ही सीढ़ियाँ उतरा और कुर्सी पर रस्सियों से जकड़ा बैठा था जिसने होटल में पाशा पर हमला किया था। लाइट ऑन हुई और इस शख्स ने इस लंबे कदोकामत के हामिल जोड़े कसरते जसामत वाले सुर्ख सफ़ेद मौत के फरिश्ते को सीढ़ियाँ उतरते देखा। मखसूस स्टाइल में पैंट के पॉकेटों में हाथ डाले सिगरेट मुँह में दबाए नीचे उतरा था। इस शख्स का चेहरा लट्टे की तरह सफ़ेद हुआ, अंडरवर्ल्ड में कौन नहीं जानता था। पाशा की दी गई मौत का दर्द तो मरने के बाद भी होता होगा। वो आकर सामने रखी कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गया। वो पाशा मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मैं बादशाह का सर तुम्हारे कदमों पर रख दूँगा, तुम्हें क्या लगता है बादशाह का सर कलम करना मेरे लिए मुश्किल है? पाशा का लहजा साफ तमस्सुखराना था, अभी खुद ही इसको ढील दे रखी है। पाशा ने अपने शर्ट के सीक्रेट पॉकेट से वो तेज़ धार आला निकाला जिसे ऑपरेशन के दौरान जिसम चीरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो उसके हाथ में आला देख कर गगया गया। सुनो, मैं तुम्हें जाने देता मगर तुम्हारी वजह से इसे चोट पहुँची है, इसका खून बहा है जिससे मुझे तकलीफ हुई जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। पाशा का सरसराता लहजा और जितना सर्द ये कहकर पाशा इसकी दोनों कलाइयाँ काट चुका था। वो चिंगाड़ा
मैं तो इसे तुम्हारी कांच के लेता मगर इसकी मौजूदगी ने तुम्हारे सांस चंद घंटों के लिए बढ़ा दी। वो आला शाम की तरह एक शख्स ने पूरे जिस्म पर रिंग रहा था। जल्द ही वो ठंडा पड़ गया मगर पाशा का हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर इस शख्स पर यही अंजाम होगा जो उसे तकलीफ पहुँचाएगा, वो फुंकारा। इसी वक्त पाशा अपने हमासों में नहीं लग रहा था। उसका तो शाहीन और वसीम को भी इसे अंजाम तक पहुँचाने का दिल बड़ी शिद्दत से चाहता। वसा कर भी गुजरता अगर वसीम रिहाब का सगा भाई ना होता, उसकी फैमिली का हिस्सा ना होते। पाशा ने इतमान से वो आला इसी की लाश साफ किया और मट्टी में दबाए से निचड़ने लगा। जमल ने एक मरतबा फिर इसे दहलीज पर पाऊँ रखे मगर आज इसके कंधे झुके हुए थे और वो टूटी बिखरी हालत में थी। बड़ी सी चादर से खुद को छुपाए इसने आधा चेहरा भी छुपा रखा था। लाउंज में आई चंद खौफनाक से आदमी और वो इस दिमागी लड़की वहीं थी। किधर का हम उठाए चली आ रही हो? रिजा को गुस्सा आया। मैं कबीर से मिलने आई हूँ। क्यों मिलना है कबीर से? वो मैं इन्हीं को बताऊँगी, प्लीज़ एक मरतबा मिलवा दे, वो बेसबसी से बोली। कुछ तो था इसके लहजे में जो रिजा ने नादिर को इशारा किया। नादिर ने ऊपर जाकर कबीर का दरवाज़ा खटखटाया। इन लोगों ने वापस जाने की तैयारी मुकम्मल कर ली थी और निकलने वाले थे क्योंकि पाशा भी आ चुका था। दरवाजे तक आया मगर नादिर की अगली बात सुनकर मीटर शार्ट हुआ। चलो मैं आता हूँ। अपने वॉलेट मोबाइल खड़ी चाबी उठाई। और तन फन करता नीचे उतरा। सामने ही वो टूटी बिखरी हालत में सोफे पर सर झुकाए बैठी थी। कबीर को उसकी हालत देखकर और आग लगी। वो तो पहले ही सासेब से जान को चिमटा जा रहा था, वापस भागने के चक्करों में था। वो फिर चली आई थी इसका सुकून बर्बाद करने से देखकर जिमल खड़ी हुई। मगर क्या बात है, टीचर साहबा को पार्क या शॉपिंग मॉल समझ रखा है, इस घर को जब जी चाहे वो उठाए चली आती हो। आज इसका झुका कंधा कबीर को तकलीफ दे रहे थे इसलिए वो उससे फनकार हो। मैं अब पा तो गई थी मगर आंसू का कंधा इस जो गले में अटक रहा था। कबीर ने वहाँ से सबको जाने का इशारा किया। रिजा को भी अब बोलो, वक्त नहीं है मेरे पास, हमें वापस जाना है, कबीर ने इसे झटका। उस सैफी को कुछ लोग ले गए हैं, मैंने बहुत ढूंढा मगर नहीं मिला, क्या आप मेरी मदद? नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। वैसे भी यहाँ मैंने फ्लाई तारा नहीं खोल रखा जो दूसरों की मदद करने के लिए बैठा रहा हूँ। वो बहरा बेरहम बड़ा और इसको जाने से रुख मोड़ा जैसे कह रहा हो। बोल दिया, अब जा सकती हो। वो आखिरी उम्मीद टूटती देखकर जिमल भी टूटी थी, बिखरी थी और ज़मीन पर ढह सी गई थी। मेरी मदद करो प्लीज़, हेल्प मी, इसके आंसू इसके कदमों को करीब कर रहे थे। वो जो दावा करके गई थी अब कभी इसकी शक्ल नहीं देखेगी, अब इसके कदमों बैठी थी। वो पीठ मोड़े खड़ा अपना जब्त आजमा रहा था। कभी को लगा वो आंसू नहीं इसके दिल का खून चढ़कर फरस पीड़ रहा है। मुझे बस इसे लग कुछ लेकर कर नहीं रहा था और दिल इनकार करने की नीयत पर भी पटने को था। मेरे पास ये मेरी मम्मा की चैन है, ये तुम ले लो, मैं और भी पैसे दे दूँगी, मेरी मदद करो। इसने सकते बंद मुट्ठी कबीर की जानी बढ़ाई। कबीर चला रहा था, दिल होने के बावजूद अपने लग रहा था कि इसका दिल शिद्दत आराम से फट जाएगा। इस लड़की के आंसू और तोड़ से अपने रखों में डॉटा वो महसूस हो। दिल के पीछे मुड़े झुक जाए और सर तस्लीम खम कर ले, इसे सीने में भींच ले, इसके आंसू अपने लबों से चुन ले, इसका हर गम मुसीबत परेशानी अपने सर ले ले। कबीर ने भी बस इसे इस छोटी सी लड़की को देखा, फिर बेहद झिझकते इसकी जानब हाथ बढ़ाए और चुप कर इसे बाजू से थामा। उठो, इसने बाजों से खड़ा करके इसे झंझोड़ा। कबीर को तो जिमल का इस दिन वाला रूप अच्छा लगा था जब वो इसकी आंखों में आंखें डाले फंकारी थी, लेकिन आज वो इस अपने साथ कबीर को भी तोड़ने पर तुली हुई थी। जिस पर कबीर सख्त चिंचलाया, बंद करो ये मेलोड्रामा, करूंगा हेल्प, चुप, बिल्कुल चुप। वो धाड़ा बकर एक भी आंसू गिरा तो वापस चला जाऊंगा, फिर ढूंढ लेना खुद ही। कबीर की उंगलियां इसके बाजू में बेदर्दी से खड़ी हुई थी। कबीर ने इसे छू लिया था और इस पर इसे लगा इसे छूने से वो खून बनकर इसकी रग रग में दौड़ गई है, धड़कनों में समा गई है। अब कबीर इसके सामने खड़ी बला से कभी दूर नहीं जा पाएगा। इस जादूगरनी को जादू से छुटकारा मुमकिन ही नहीं, जिसने इतने दिनों से इसके दिलो दिमाग पर बुरी तरह अपना कब्जा कर लिया था। मोहब्बत अल्हाम बनकर कबीर पर उतरे थे, इसने दिल में सर तस्लीम खम किया कि इसे सामने खड़ी लड़की से इश्क है। मोहब्बत सुरूर बनकर दिलो दिमाग पे छाई
तो इसे अपना बनाने की कसम खाई। फैसला मिनटों सेकंडों में किया था, जिसके बगैर अब एक पल भी गुजारा मुमकिन ना था। इसे बस अपना बनाना था। सादा से ब्लैक सूट के ऊपर बड़ी सी मैरून शाल में लिपटी वो इसकी जान का आसार बन गई थी। कबीर की आंखें बेचैनी से इतने दिनों की दीदार की प्यास बुझा रही थी, दिल के ऐसे सीने से बीच ले, मगर अभी इसे कोई हक नहीं था इसके करीब जाने का। वो अभी खड़ी सूसू कर रही थी, मगर अब चेहरे पर सुकून था। वो चौंकी क्योंकि अब बाजू में तकलीफ होने लगी थी। मुकालबिल की गिरफ्त बहुत शिद्दत शदीद थी। वो क्रिसमस आई तो कबीर ने नरमी से उसे छोड़ दिया और फ़ोन मिलाया। हाँ, नादिर सैफ के बारे में कोई ख़ास इंफॉर्मेशन? यस सर, इसको इस दिन बादशाह के आदमी ने देख लिया था, इसलिए उठाया हम तक पहुंचने के लिए। ठीक है, ठिकाने का पता लगाओ, इसे जल्द बाजियाब कराना है। जिमल के दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। कबीर ने फ़ोन बंद किया तो जिमल ने बेचैनी से सवालिया निगाहों से देखा। मिल जाएगा, कबीर ने मुख्तसर सा कहा। जिमल को तसल्ली हुई। है कहा वो, जहाँ भी हुआ मैं तुम्हारे पास उसे ढूंढ लाऊंगा, मगर इससे मुझे क्या मिलेगा? जिमल शर्मिंदा हुई। इसके पास पैसे नहीं थे, ये चेन और मैं और भी पैसे नहीं चाहिए। कबीर इतनी मामूली चीज़ों के लिए कुछ नहीं करता। कबीर ने बगौर से देखा तो फिर वो शदीद नर्वस हुई। अपने भाई के लिए इस दिन की तरह अपनी जान दाव पे लगाओ, निकाह कर लो मुझसे अभी, और इसी वक्त तो सोच सकता हूँ, वो इत्मीनान से बोलता। इसके सर पर बम फोड़ चुका था। जिमल ने फटी फटी निगाहों से इस बेहस और खुदगर्ज शख्स को देखा, जो जिमल के मुताबिक अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा था। मगर फिलहाल वो सैफी को ढूंढने के लिए हर हद पार करने को तैयार थी, जान से गुजरने को भी तैयार थी, अपनी जान सोली पर लटकाने को भी तैयार थी। इसीलिए मुझे मंजूर है, बेबसी से कहती हूँ, सामने वाले को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे चुकी थी। इससे सारी बात सामने खड़े पाशा को बताई। भाई मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ, समझो हो गया, पाशा ने इत्मीनान से कहा। कबीर को लगा जो उन्होंने अपने लिए असूल बनाए थे पाशा से डांट पड़ेगी, मगर भाई को इससे लिपट गया। 5 मिनट में सलाह हो चुकी, लेके आ जाना, मैं इंतज़ाम करता हूँ, फिर वापसी के लिए निकलना है। इन तीनों को भी वहीं ले जाना है, और मैं जो ने तुम्हारे लिए घर खरीदा था इसमें रह लेना। मगर सैफ मिल जाएगा, फिर भरोसा रखो, पाशवा इत्मीनान से बोला। और फिर ठीक 5 मिनट बाद ही वो लाउंज में बैठी अपनी जिंदगी का एक अहम तरीन बंधन या गलत तरीन आदमी के साथ बात चुकी थी। वो बेबसी के एहसास से फूट फूट कर रो दी। हर तरफ मुबारकबाद का शोर उठा। नादिर इसके बंदों ने फायरिंग की। हल्की दाढ़ी और तनी ऊँचों के नीचे कबीर के नाबी लम्बों पर दिल फरेब सी मुस्कुराहट थी। रिजा और रीमा भी इसके पास बैठी थी और ज़बरदस्ती मिठाई इसके मुंह में ठूस रही थी। पास बैठी सिमल अजीब नज़रों से सब देख रही थी और अपनी किस्मत से शिकवा गुनाह थी। रहा कमरे में बैठी थी, बाहर से शोर शराबे की आवाज़ें आ रही थी, मगर वो पाशा की इजाज़त के बगैर कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी। इसे कहा गया था कि कुछ ही देर में इन्हें कराची के लिए निकलना है, और वो तैयार बैठी थी। वो मुसलसल और बिल्कुल बेख्तियार पाशा के बारे में सोच रही थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों दिलाई मुझे आज़ादी, मेरी आज़ादी की भारी कीमत क्यों अदा की, क्यों इतना सब कुछ मेरे लिए? और इन सब सवालों का जवाब जो दिल दे रहा था, वो कब से अपने मुंहज़ोर बदतमीज़ दिल को चुप करवा कर डपट रही थी। मगर इसकी एक ही गर्दान थी, क्या वो मुझसे मोहब्बत? शर्मिली सी मुस्कान खुद से ही छुपाने को अपना चेहरा हाथों में छुपाया। और होटल में भी तो मेरी चोट देकर कैसे टड़प गए थे, उफ़ सोच कर ही शर्म से दोहरी हो रही थी। चेहरा लाल टमाटर हो गया, और मैं इसने अपने दिल को टटोला, इसने दिल को आजमाने के जहरीला अकीदत से ना हंदुराया, वो जहरीला भिला पाई पाशा। दिल ने बीट मिस की, वो खुद से ही बुखलाई। दिल 120 की रफ्तार पकड़ चुका था। दिल के बिल्कुल कोरे कागजों पर पहला नाम तहरीर हो चुका था। खुद से ही बेतहाशा घबरा कर बेड में कम्फर्टर पर घुस गई। रेशमा से पूछ चुकी थी कि अगर घर कॉल कर सकती है, बसमा की खैरियत तक मालूम करनी है। रेशमा ने इजाज़त दे दी थी, अब इसे इस खड़ूस की इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। कब कपाते हाथों से नंबर मिलाया। माँ तो
माँ का तो ज़ुबानी याद था। रिसीव हुआ, कमज़ोर सी आवाज़ में बोला गया, हेलो कौन? मामा मैं फानिया बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? धीमा लहजा माँ को हिला गया। बच्ची, मेरी बच्ची नसीमा तड़पी, मुझे माफ़ कर दो, नया आपकी बातों में आ गई बगैर तस्दीक किए। जानते हो कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है और जानते हो इसने मेरे साथ किया। फिर इसकी माँ ने जो इसे बताया, इसके पैरों के नीचे ज़मीन का जहना काफ़ी थी। फानी वापस लौटाओ, मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। नसीमा रो रही थी। मम्मा मैं कराची में हूँ मगर महफूज हूँ, मगर अफ्रीका बहुत खत्म, मैं अभी आपके पास आने के लिए निकलती हूँ। फ़ोन रखा, इस वाक़े के बाद भी रास्ते से चंद दफ़ा डांट फटकार खा चुकी थी। यकीन पुख्ता हो गया कि वाकई वो ज़बरदस्ती इसके सर पर मुसल्लत है। प्लानिंग तो वो पहले ही कर चुकी थी, अब माँ की बात सुनकर बस अमल करना था। पिंकी और इसकी चेलियाँ जा रही थी इस्लामाबाद, इसे इनकी गाड़ी के डिग्गी में छिपना था। रेशमा से कहा लॉन में जा रही है। लॉन में आई, सबसे छुप छुपा कर वो ज़ाहिर पिंकी ने जो बड़ी गाड़ी तैयार करवा रखी थी उसकी डिग्गी में छुप गई। चंद लम्हों का इंतज़ार करना पड़ा। गाड़ी गेट से निकलती हुई महसूस हुई। इसे बोला था कि मुझसे दूर रहो मगर हर रात इसके साथ आने बैठ कर घंटों इसके बालों में उंगलियां फेर कर से महसूस करता था। रास्ते दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ। सीने में सांसर की खाली बेड और देख कर वाशरूम में भी नहीं थी, पागलों की तरह एयर पूरा वाइट पैरलिस कंगाल लिया, मगर कहीं होती तो दिखती रूफा ना हुई। यह सोच ही डाल लिया थी कि वो इस रूम में मौजूद नहीं थी, वाइट पैलेस में मौजूद नहीं थी। और फिर जो रेशमा ने बताया, वाइट पैलेस की छत इसके सर पर गिरी। रेशमा पहले ही इसे गैर मौजूदगी नोट करते हैं पूरे पैलेस को कंगाल चुकी थी। लाल आंखें, अंगारा और लहू टपका था चेहरा, दिल किया तहस नहस कर दी। फानिया ये क्या किया तुमने? फिक्र मत करो, चाहे सभी एक खोती पड़े यहाँ सामान कंगालना पड़े ढूंढ ही लूंगा तुम्हें। अब बखन मिल गई तो मेरे हाथों ही मरोगी। वो माही भी आपकी तरह तड़पा था।